नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रताप और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पियानो हारमोनियम प्रताप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हनुमान जी की बहुत ही फेमस आरती, जिसके बोल हैं, आरती कीजे हनुमान हला की, दुष्ट धलन रघुनाथ कला की। आज इस आरती को नोटेशन के साथ कंप्लीट बजाना सीखेंगे। दोस्तों, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, आप इस आरती को एक ही बार में बड़ी ही आसानी से बजाना सीख जाएंगे। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, जो लोग YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जो लोग Facebook पेज पर देख रहे हैं, वो फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपने YouTube चैनल में और भी बहुत सारी आरतियाँ एवं भजन सिखाए हुए हैं, आप उनको भी जाकर सीख सकते हैं। उनकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगा। आइए दोस्तों, और देर न लगाते हुए हम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान लेते हैं हम इस आरती की स्केल। तो इस आरती को दोस्तों हम तीसरा खाला यानी एफ शार्प मेजर से बजाना सीख रहे हैं। तो इस आरती में कौन कौन से नोट लगेंगे वो भी हम देख लेते हैं तीसरे खाले से। देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब इसमें दोस्तों एक्स्ट्रा बात यह है, ये जो हमारा गा है ये शुद्ध गा है, लेकिन इसमें कोमल गा का भी प्रयोग होगा। ये जो हमारी नी है ये शुद्ध नी है, ये कोमल नी का भी प्रयोग होगा। यानी सारे स्वर शुद्ध भी लगेंगे, गा और नी कोमल भी यूज होगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सीखते हैं हम इस आरती का स्थाई, और स्थाई की सीखते हैं पहली लाइन, जिसके बोल हैं आरती कीजे हनुमान हला की। तो इस लाइन को पहले बजाते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, देखा आपने, बहुत ही इजी है। तो इस लाइन को छोटे छोटे शब्दों में बजाना सीखिए। सबसे पहला शब्द है आरती। आरती के लिए कोमल गा रे और फिर से कोमल गा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा कीजे। कीजे के लिए रे और सा। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा हनुमान। हनुमान के लिए रे शुद्ध नी और दो बार हमें बजाना है सा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा हला। हला के लिए दो बार सा सा, और लास्ट में शब्द आएगा खी। खी के लिए कोमल नी और धा। ठीक है, इसके बाद आती है दोस्तों हमारे स्थाई की सेकंड लाइन, जिसके बोल हैं दुष्ट धलन रघुनाथ कला की। तो इस लाइन को भी पहले बजाते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, आप अगर ध्यान से नोट कर रहे होंगे तो ये लाइन भी बिल्कुल पहली लाइन से मिलती जुलती है, बस हल्के से शब्दों के साथ नोट आगे पीछे हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला शब्द है दुष्ट। दुष्ट के लिए कोमल गा और रे। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा धलन। धलन के लिए कोमल गा रे और सा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा रघुनाथ। रघुनाथ के लिए एक बार रे, एक बार शुद्धनी और दो बार सा। ठीक है, फिर लास्ट में शब्द आएगा खला। खला के लिए दो बार सा सा। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा की। की के लिए कोमल नी और धा। ठीक है, यहाँ पर आपकी सेकंड लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों, हमारे स्थाई में जो हमने पहली लाइन सीखी थी, आरती कीजे हनुमान हला की पूरी लाइन बिल्कुल वैसी की वैसी रिपीट होगी। लास्ट में उसी लाइन में आपको सा और ऐड करना है। देखिए कैसे। यानी पहली बार हमने बजाई है वो यहां तक बजाई है, और नेक्स्ट बार जब बजाएंगे तो हमें इसके बाद यहां पर आना है।
ठीक है, जैसे ही ये लाइन यहाँ पर कंप्लीट होगी आपका स्थाई कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों हमने अपनी आरती का स्थाई कंप्लीट कर लिया है, अब हम सीखते हैं हमारी सारती का अंतरा। तो अंतरा सीखें उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है, ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सीखते हैं अंतरे की पहली लाइन, जिसके बोल हैं जाके वल से गिरवर खांपे। तो इस लाइन को पहले बजाते हैं फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, बहुत ईजी है। सबसे पहला शब्द है जाके, जाके के लिए सा गा मा, ठीक है। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा बल, बल के लिए दो बार पापा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा से के लिए पा मा गा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा गिरवर, हिरवर के लिए गा मा धा पा। और लास्ट में शब्द आएगा खांपे, खांपे के लिए कोमल गा रे और सा। यहाँ पर आपकी अंतरे की पहली लाइन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आती है दोस्तों हमारे अंतरे की नेक्स्ट लाइन, जिसके बोल हैं रोग दोष जाके निकट ना झांके। तो इस लाइन को भी पहले हम बजाते हैं फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, ये लाइन भी बिल्कुल पहली लाइन की तरह है, हल्का सा चेंज है। सबसे पहला शब्द है रोग, रोग के लिए सा और गा। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा दोष, दोष के लिए एक बार मा और दो बार पा। नेक्स्ट शब्द आएगा जाके, जाके के लिए पा मा गा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा निकट ना, निकट ना के लिए गा मा धा पा। और लास्ट में शब्द आएगा झांके, झांके के लिए कोमल गा रे और सा, ठीक है। इसके बाद आती दोस्तों हमारे अंतरे की नेक्स्ट लाइन, जिसके बोल हैं अंजनी पुत्र महाबलिदाई। तो इस लाइन को भी पहले बजाते हैं फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, बहुत ईजी है। सबसे पहला शब्द है अंजनी, अंजनी के लिए गा रे गा, यानी कोमल गा रे और कोमल गा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा पुत्र, पुत्र के लिए रे सा रे। महाबल, महाबल के लिए, महाबल के लिए नी और तीन बार सा। लास्ट में शब्द आएगा धाई, धाई के लिए सा कोमल नी और धा, ठीक है। इसके बाद आती है दोस्तों हमारे अंतरे की नेक्स्ट लाइन, जिसके बोल हैं संतन के प्रभु सदा सहाय। तो इस लाइन को भी पहले बजाते हैं फिर सीखते हैं। देखिए, बहुत ईजी है। सबसे पहला शब्द है संतन, संतन के लिए गा रे गा, यानी कोमल गा रे और कोमल गा। नेक्स्ट शब्द आएगा के लिए रे और सा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा प्रभु, प्रभु के लिए रे और नी। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा सदा, सदा के लिए दो बार सा सा। और लास्ट में शब्द आएगा सहाय, सहाय के लिए दो बार सा, एक बार कोमल नी और एक बार धा। यहाँ पर आपकी ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों हमने जो अंतरे की जो चार लाइन सीखी हैं, इन्हीं चार लाइन के आधार पे आरती की जो आगे की चार चार लाइनें हैं वो इसी पैटर्न में इन्हीं स्वरों में रिपीट होती रहेंगी। अभी जो हमने लाइन सीखी है, जाके बल से गिरवर कांपे
रोग दोष यके निकट न जाके अंजनी पुत्र महाबल दाए संतन के प्रभु सदा सहाय। ये चार लाइन हमने सीखी है इसी पैटर्न में आगे की। देवीरा रघुनाथ पटाए लंका जारी सिया सुदिलाए लंक सुकोट समुद्र से खाए जात पवन सुतवार न लाए। इसी प्रकार से आरती की जो चार चार लाइन का पैटर्न है तो हमने जो अंतरा सीखा है इसी अंतरे के आधार पर बाकी सारी लाइनें प्ले हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ आपका वीडियो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आपको कोई आरती भजन या सॉन्ग सीखना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं, मैं आपको सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।